न्यूज ऑल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पौड़ी जिले के चौकी गुमखाल पर स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई कि कार अनियंत्रित होकर गहड़ मोड़ पर खाई में जा गिरी है। सूचना पर चौकी थाना से पुलिस बल आपदा और बचाव उपकरण के मौके पर पहुंचे और एसटीआरएफ को सूचना दी गई कि कार सड़क से खाई में लगभग 200 मीटर नीचे गिरी हुई थी। स्थानीय व्यक्तियों की मदद से कार में फंसे हुए तीन व्यक्तियों को कार से बाहर निकाला गया। तीनों को स्ट्रेचर से सड़क पर लाया गया। घायलों को 108 की मदद से प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। घायल द्वारा बताया गया कि वे दिल्ली से शादी में सम्मिलित होने के लिए गांव जा रहे थे। अब सितारगंज नगर में स्कूटी पर सवार होकर नगर की सुरक्षा व्यवस्था पर महिला पुलिसकर्मी निगरानी रखेंगी। इसके लिए उधम सिंह नगर पुलिस कप्तान द्वारा कोतवाली पुलिस को स्कूटी उपलब्ध कराई गई है। नगर की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब कोतवाली में तैनात महिला पुलिसकर्मियों की भी सहभागिता और बढ़ेगी। कोतवाली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी चाक चौबंद किए जाने की वजह से उधम सिंह नगर पुलिस कप्तान डॉ मंजुनाथ टीसी द्वारा कोतवाल में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी उपलब्ध कराई गई है। प्रथम चरण में महिला पुलिसकर्मियों को एक स्कूटी उपलब्ध कराई गई। स्कूटी आने के बाद प्रथम दिन मंगलवार को महिला उपनिरीक्षक बबीता और कांस्टेबल ज्योति शर्मा स्कूटी पर सवार होकर नगर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकल पड़ी। कोतवाली में तैनात महिला पुलिसकर्मियों को स्कूटी उपलब्ध होने से अब नगर में महिला सुरक्षा भी चाक चौबंद हो सकेगी। सितारगंज नानक सागर डैम के लिए भूमि अधिकृत कर मुआवजा न देने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। ग्राम बिकमपुर निवासी कर्नेल सिंह के मांग पत्र सौंपकर आरोप लगाया कि उसके पूर्वजों ने साल 1952 में देवीपुरा नानकमता तहसील के अंतर्गत जमीन खरीदी थी, जिसमें तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 1956 में अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद उनकी भूमि में डैम का निर्माण सिंचाई खंड बरेली में करवाया। उन्हें पता चला कि देवीपुर सागर डैम की भूमि का तबादला पीलीभीत के थाना हजारा तहसील पुरनपुर के जंगल में देने के लिखित आश्वासन दिया गया, लेकिन साल 1962 से अभी तक मिलीभगत के जरिए सिंचाई विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने 144 परिवारों के परिजनों को करीब 3000 एकड़ भूमि का मालिकाना हक प्रदान नहीं किया है, न ही भूमि का मुआवजा दिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में समाधान करने की मांग की है। बाईस जनवरी को आगरा के मुस्लिम बस्तियों में मनाई जाएगी दिवाली। अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष अशफाक सैफी ने मुस्लिम बस्तियों में बांटे दिए बाती तेल, आगरा की धरती से गूंजेगा सौहार्द का संदेश, 500 साल पुराना विवाद हो रहा खत्म, मिलकर मनाए दिवाली, अशफाक सैफी कहते हुए नजर आए। टेंट से प्रभु श्री राम गर्भगृह में पहुंचेंगे, ये खुशी की बात है। मुस्लिम परिवारों से दिवाली मनाने की अपील भी की जा रही है। नौबस्ता पीर बहादुरी पर गोपेश्वर मंदिर के पास जो मुस्लिम बस्ती है, उस बस्ती के अंदर हम लोगों ने आज दीप रखकर उनको तेल और बाती साथ में दी है एक थैले के अंदर, जिससे वो लोग भी इस प्राण प्रतिष्ठा में अपनी सहभागिता निभाएं। जिस तरीके से 500 साल पुराना विवाद अब सुलझ गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वहां भैरवराम मंदिर स्थापित हो गया है। यूपी के गोंडा जिले में गौरा विधानसभा क्षेत्र के भजरजोत ब्लॉक के गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गौरा से भाजपा विधायक प्रभात वर्मा बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित पहुंचे, जहां उन्होंने उनका स्वागत किया। विधायक ने कार्यक्रम में नन्हे नन्हे बच्चों को अन्न प्रसारण कराया। साथ ही कार्यक्रम में सरकार उज्ज्वला सहित कई योजनाओं के लाभार्थियों के गैस चूल्हे और उपकरण वितरित किए गए। साथ ही ग्रामीणों को केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं विधायक प्रभात वर्मा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी लोगों को बताया कि लोग अपने घरों में दीप जलाकर दिवाली मनाएं, इसे उत्सव को मनाएं। वहीं पत्रकारों से बातचीत में प्रभात वर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान के व्यक्ति को मिल रहा है और सरकार जनता के द्वार पहुंचकर योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने बताया कि गौरा क्षेत्र का राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है। वहीं विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस राम और सनातन की विरोधी है। 500 सालों की लड़ाई के बाद राम मंदिर बन रहा है और विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं विधायक ने कहा कि मोदी देश के प्रधानमंत्री होंगे और राहुल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी न्याय यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा और राम का विरोध करने वाले लोगों का सफाया हो जाएगा। विरोधियों को जनता ने खत्म कर दिया, बाकी जो बचे हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री एक बार फिर से होंगे और राहुल जीरो हो जाएंगे। सपा बसपा हमेशा मंदिर विरोधी रहे, ये लोग सनातन विरोधी रहे, ये इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। 500 वर्ष के बाद
अगर भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो गया, अगर उसका पूजा पाठ में ये लोग विरोध करेंगे तो आने वाले दिनों में जनता भी उनका सफाया कर दिया, जो बचा कुचा वो भी सब साफ हो जाएंगे। क्योंकि आज देश की 75 साल की आजादी के बाद और 500 वर्ष के बाद भगवान राम का भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, अन्य सभी तमाम साधु संत, तमाम लोग बलिदान हो गए। आज अगर भव्य राम मंदिर बन रहा है तो आप इसका विरोध कर रहे हैं, किस लिए विरोध कर रहे हैं? क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे भारत देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं झांसी में भी नन्हे बाल हनुमान द्वारा घर घर जाकर आमंत्रण दिया जा रहा है। नन्हे बाल हनुमान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस बाल हनुमान की प्रशंसा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। महाराजगंज में नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया। रेप के बाद आरोपी के घर वालों ने नाबालिग लड़की की जमकर पिटाई भी कर दी। पिटाई के बाद नाबालिग की हालत नाजुक हुई। रेप पीड़िता को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने रेप और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर पनेरिया थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने चार शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नंदगंज थाना क्षेत्र के बंतरा ओवरब्रिज के पास से शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जालसाज पैसे दोगुने करने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। पकड़े गए ठगों में 3 आजमगढ़ जबकि 1 वाराणसी का रहने वाला है। पुलिस ने जालसाजों के ठगी के करीब 1.82 लाख रुपए और 10 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। श्रावस्ती अपहरण दुष्कर्म अपराध में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई। धारा 363, 366, 376 में पंजीकृत मुकदमे में 20 साल बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। 3 आरोपियों को एएसजी एफटीसी न्यायालय ने आजीवन कारावास सजा के साथ ही 80,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना गिलौला ने सन 2003 में पीड़ित ने बेटी के साथ अपहरण और बलात्कार का आरोपियों पर आरोप लगाया था। आरोप सिद्ध कर पुलिस ने समय अनुसार विवेचना संपादित कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन और कोर्ट पैरोकारों के अथक पैरवी से आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। हरिद्वार उड़की विकास प्राधिकरण ने जनपद के सभी कॉलोनी डेवलपर्स को निर्देशित किया है कि अपनी अपनी कॉलोनियों और साइटों पर एचआरडीए स्वीकृत का बोर्ड जरूर लगाएं, ताकि उपभोक्ता अवैध कॉलोनियों को आसानी से पहचान सके। यही नहीं, एचआरडीए ने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा है कि प्लॉट खरीदने से पहले उस कॉलोनी के नियमानुसार एचआरडीए से स्वीकृत होने या नहीं होने की जांच पड़ताल अवश्य लें। प्राधिकरण के वीसी आईएएस अंचल सिंह के निर्देशानुसार अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जागरूक करने के लिए अभियान जारी किया गया है। इसी क्रम में एचआरडी ने प्राधिकरण से नियमानुसार लेआउट स्वीकृत करने वाले उस सभी कॉलोनी डेवलपर्स और प्रॉपर्टी डीलरों को निर्देशित किया है कि वो अपनी साइटों पर एचआरडी स्वीकृत होने का बोर्ड लगाना अनिवार्य करें। ये बोर्ड साइट के प्रमुख जगह लगा होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता इसके बारे में आसानी से जागरूक हो सके और जांच पड़ताल करने में उनको कोई असुविधा ना हो। प्राधिकरण के वीसीआईएस अंशुल सिंह ने बताया कि प्राधिकरण अवैध कॉलोनी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए हुए है और लगातार अवैध कॉलोनी को सील किया जा रहा है, लेकिन यह भी देखने में आया कि उपभोक्ता जानकारी के अभाव में या किसी अन्य कारणों के चलते अवैध कॉलोनी के निवेश में फंस जाते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को अवैध कॉलोनियों का पता आसानी से लग सके, इसके लिए प्राधिकरण ने सभी स्वीकृत कॉलोनी डेवलपर्स को अपनी अपनी साइटों पर एचआरडीए स्वीकृत का बोर्ड लगाए जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि प्राधिकरण द्वारा लेआउट पास किए जाते हैं, आज से ये नियम लागू होगा। जो भी लेआउट आप पास कराएंगे उसमें जो बिल्डर है वो एक बोर्ड लगाएगा जिसमें वो बताएगा जिसने लेआउट पास कराया वो उसका नाम, लेआउट का नंबर और एचआरडीए द्वारा ये कॉलोनी अप्रूव करी गई है। इससे फायदा ये होगा कि जब हमारे प्राधिकरण की टीम जाती है तो हमें एक तो नॉलेज रहेगी कि भाई ये लेआउट पास है, क्योंकि कई लेआउट आगे पीछे भी पास होते रहते हैं, अननेसेसरी किसी को परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रहेगी, जब उपभोक्ता वहाँ खरीदने आएंगे प्लॉट्स तो उनको पता रहेगा कि ये एचआरडी अप्रूव्ड है, तो जल्दी उनके प्लॉट्स बिकेंगे भी, उनकी वैल्यू भी अच्छी जाएगी। उत्तराखंड में लॉन्च हुआ द्रुत होमगार्ड ऐप। होमगार्ड ऐप से आपको वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जिन सुविधाओं की आपको जरूरत है, जैसे कहीं मारपीट होना, एक्सीडेंट होना या किसी महिला पर अत्याचार होना या एम्बुलेंस की सही सुविधा आपको द्रुत होमगार्ड एस के जरिए उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड में बढ़ते अत्याचार और अपराध को देखते हुए उत्तराखंड के केवल खुराना पुलिस महानिरीक्षक
कमांडेंट जनरल के निर्देश पर उत्तराखंड में द्रुत होमगार्ड ऐप लॉन्च किया गया, जिससे आपको हर वो सारी सुविधाएं हो जिन सुविधाओं की आपको जरूरत है। एक बटन दबाएं और कुछ ही देर में आपके पास होमगार्ड जवान आपकी सेवा में हाजिर होंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में लगातार द्रुत होमगार्ड ऐप को लेकर जगह जगह होमगार्ड टीम के द्वारा इस ऐप को डाउनलोड कराया जा रहा है और इस ऐप की संपूर्ण जानकारी भी दी जा रही है, ताकि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये हमारी अभी 6 दिसंबर में सीएम साहब ने इसका इनॉग्रेशन करा है। इसमें हमने सारे अपने जो भी उत्तराखंड में जितने भी हमारे होमगार्ड वर्तमान में हैं उनको रजिस्टर्ड कर रखा है। अब जो भी प्ले स्टोर में ये द्रुत नाम से होमगार्ड ऐप नाम से ये अवेलेबल है, जो भी यूज़र इसको हेल्प जिसको भी उत्तराखंड में आता है चाहे बाहर से आता है कहीं से भी आता है, उसको कभी कोई दिक्कत हो अगर उसके पास ये ऐप है तो वो उसमें एक पैनिक बटन है, पैनिक बटन वो दबाएगा तो जो भी उसकी नियरेस्ट लोकेशन में हमारे होमगार्ड्स अवेलेबल है वो 3 होमगार्ड्स तुरंत इनकी हेल्प के लिए पहुंचेंगे। तो इस की द्रुत नाम इसको दिया गया, द्रुत का मतलब है तीव्र यानी क्विक रेस्पॉन्स के लिए, तो इसलिए जो भी नियरेस्ट उसका 3 हमारे होमगार्ड्स हैं तुरंत उसकी हेल्प के लिए उस समय उपस्थित हो जाएंगे। तो जो भी उसका असिस्टेंट चाहिए वो उसको अवेलेबल हो जाएगी टाइमली। वफ्क बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर कलियर स्थित दरगाह साबिर पाक पहुंचकर चादर पोशी कर देश के आमो अमन के लिए दुआ मांगी और देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर देश के इबादतगाहों में सफाई अभियान चलाने का जो दिशा निर्देश मिला है उसी को आगे बढ़ाते हुए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि आज जो इबादतगाहों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर किया जा रहा है उसी को आगे बढ़ाते हुए यह अभियान यहां पर चला है। दरगाह पिरान कलियर साबिर पाक के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स और दरगाह प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि कर्मचारियों का हक है कि सरकार द्वारा व्यक्ति को 570 प्रतिदिन का वेतन तय किया तो उनको मिलना चाहिए। मैं वक्फ बोर्ड सीओ से वेतन बढ़ाने के लिए बात करूंगा। देखिए मैं पीरान कलियर में आज पहुंचा हूं, तो पीरान कलियर में दरगाह के कर्मचारी उनके द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी तनख्वाह सैलरी कम है उसको बढ़ाई जाए। और मुझे लगता है कि ये वक्त की ज़रूरत भी है कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए। उनकी तनख्वाह लगभग 8,500 रुपये है, आज की डेट में 8,500 रुपये में गुजारा नहीं होता है। और मुझे भी लगता है कि जो सरकार ने डेली वेजेस की एक अमाउंट तय किया है लगभग 570 रुपये है तो उसके हिसाब से तनख्वाह मिलनी चाहिए और ये कम से कम मिनिमम जो सैलरी होती है वो उनका अधिकार है। मुझे लगता है कि इसके बारे में इस युवक बोर्ड से बात करूंगा और इनकी तनख्वाह बढ़े इसकी हम चिंता करेंगे। मेरा मानना है कि तनख्वाह लोगों को मिलनी चाहिए, अगर तनख्वाह कम होती है तो कई बार वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए फिर चोरी का सहारा लेते हैं। अगर किसी को ईमानदार रखना है तो उसके लिए उसकी तनख्वाहों को बढ़ाने की जरूरत। हाइटेड टूरिज्म गाइड प्रशिक्षण का समापन समारोह 10 दिनों तक चला, कार्यक्रम रोजाना के विवरण पर साझा किए गए। हिंसाओं जिसे उत्तराखंड की जन्नत कहते हैं उसे पर्यटन प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से बढ़ाए जा रहे कदमों की कड़ी में ये हेरिटेज टूर भी सैलानियों को आकर्षित करेंगे। इसके लिए यहाँ पर्यटकों की सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर हेरिटेज टूर गाइड तैयार किए गए हैं। पर्यटन विभाग उत्तराखंड और टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसलिंग के तत्वाधान में 10 दिवसीय निःशुल्क हेरिटेज टूरिज्म गाइड के सफल समापन समारोह का आयोजन हुआ। समारोह का शुभारंभ लैंसडाउन के गढ़वाल मंडल विकास निगम में हुआ। समापन समारोह में अपर निदेशक पर्यटन विभाग पूनम चंद ने दीप प्रज्वलित कर किया। पूनम चंद ने बताया कि आने वाला भविष्य हेरिटेज टूरिज्म का है। हेरिटेज प्रशिक्षकों को अपने क्षेत्र के इतिहास और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी दी गई और साथ ही उन्हें श्री कालेश्वर महादेव मंदिर, आर्मी मेमोरियल हॉल, आर्मी म्यूजियम, जेरी खाल में होमस्टे का दौरा भी कराया गया। पूनम चंद ने बताया कि प्रशिक्षकों को जॉब कार्ड दिया जाएगा। प्रयास किया जाएगा कि इस जॉब कार्ड के माध्यम से उन्हें उत्तराखंड के किसी भी धार्मिक, ऐतिहासिक, वन क्षेत्र में निःशुल्क प्रवेश हो। होटल एसोसिएशन ने कार्यक्रम आयोजकों से प्रशिक्षकों का रोस्टर बनाकर उपलब्ध करने का सुझाव दिया। इसके बाद रोस्टर उनके द्वारा लैंडस्टोन के सभी होटल्स में वितरित किया जाएगा और इस तरह प्रशिक्षणार्थी सीधे रोजगार से जुड़ेंगे।
प्रशिक्षकों को लैंसडॉन और उसके आसपास के हेरिटेज साइट्स के बारे में सूचना दी। कालेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर सनातनी लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई भगवान राम मंदिर में भागीदारी बनना चाहता है क्योंकि भगवान राम सनातनी लोगों के दिल में बसते हैं। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन कार्यक्रम में देश के कई बड़े संतों और गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। हरिद्वार से अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजन अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी महाराज के नेतृत्व में उत्तराखंड की पवित्र नदियों का जल अयोध्या के लिए शोभा यात्रा के माध्यम से रवाना हुआ। महंत रविंद्र पुरी महाराज ने शंकराचार्य और कांग्रेस नेताओं द्वारा राम मंदिर उद्घाटन का विरोध किए जाने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी महाराज का कहना है कि अयोध्या के लिए हमारी यात्रा प्रारंभ हो गई है। रात को मुरादाबाद और बरेली से लखनऊ और 19 तारीख को यात्रा अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा में रथ पर रखा जल गंगोत्री यमुनोत्री हरिद्वार के हर की पौड़ी और सरयू के उद्गम स्थान का है। इस यात्रा को लेकर जाने का उद्देश्य हमारा ये है कि पवित्र जल भगवान श्री राम के अभिषेक में काम आए। मैं सभी सनातनी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 22 जनवरी को सब अपने घरों में भगवान राम की मूर्ति स्थापित करें, राम नाम का जप करें, जिससे पूरे विश्व में इस संदेश जाए कि भगवान राम प्रकट हो गए हैं। जिनकी आप बात करते हैं बहुत बड़े आदमी है, राजा आदमी है, मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने ये भी कहा था राम है ही नहीं, वो राम को मानते ही नहीं है। उनकी जो पार्टी है राम को मानती ही नहीं है। अगर वो पार्टी इस समय उनकी सरकार होती आज हमारा राम मंदिर नहीं होता, आज वह मस्जिद होती। इसलिए ये जो है मैं मोदी जी को आशीर्वाद साधुवाद देना चाहता हूँ पूरे संत समाज की ओर से, पूरे सनातनों की ओर से, कि आपने राम मंदिर वहां बनवाया और प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। हमारी एक चौपाई आती है, भूत पिशाच निकट नहीं आए, महावीर जब नाम सुनाए। मैं समझता हूँ कोई महावीर की कृपा है ये लोग वहां जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की हर हाथ को रोजगार देने की मुहिम आगे बढ़ रही है। इसके तहत ग्रामीणों को गांव में ही स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता के साथ ही तकनीकी मदद भी दी जा रही है। सरकार के इस अभियान के तहत विकासखंड पौड़ी के अमकोटी गांव में ग्रामीण उद्यम वेग विद परियोजना की ओर से 15 अति गरीब परिवारों को रोजगार शुरू करने के लिए 35,000 रुपए के चेक वितरित किए गए। इससे पहले मौलीगांव में 12 परिवारों को 35,000 रुपए की धनराशि चेक के माध्यम से दी जा चुकी है। री परियोजना द्वारा अभी तक कुल 27 परिवारों को धनराशि निर्गत की जा चुकी है। कुल चयनित 54 अल्ट्रा पोवर लाभार्थियों को रोजगार चलाने के लिए धनराशि दी जाएगी। इस दौरान पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक खुशाल ने अल्ट्रा पावर परिवारों की महिलाओं को चेक वितरित किए। उन्होंने कहा कि री परियोजना द्वारा गरीब तबके के लोगों को आर्थिकी से जोड़ने के लिए बेहतर प्रयास है। कहा कि इस प्रारंभिक धनराशि का सदुपयोग कर लाभार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। कहा कि वर्तमान में महिला स्व सहायता समूह को आत्मनिर्भर बनाने से लेकर गरीब बेसहारे लोगों के लिए सहायता के लिए हाथ हम बढ़ा रहे हैं। रीप ने पौड़ी ब्लॉक के अलग अलग गांव से अभी तक 55 अल्ट्रा पुअर परिवार चयनित किए हैं। इस अति गरीब परिवारों को बकरी पालन, गाय पालन, दुकान, सिलाई सेंटर आदि उद्योग आदि के लिए चयनित किया गया है। अगर जो 35,000 के चेक दिए हैं, अगर आप देखें, अगर गढ़वाली नस्ल की भी कोई दो गाय ले ले इसमें और 2 साल तक अगर ये फ्री है बिना ब्याज के, तो मेरे अनुसार तो 2 साल में वो गाय 2 बार बच्चा देगी और 2 साल तक वो दूध देगी, तो मुझे तो लगता है कि आदमी इसमें चौगुनी आय कर सकता है। जो सरकार ने दिया उससे चौगुनी आय कर सकता है। कोई अगर इससे बकरी खरीदता है तो आज अगर वो 5 बकरी खरीदेगा तो 2 साल में शायद वो 30 बकरी होंगी, तो आय तो बढ़नी चाहिए और सफल कदम है। और कहीं ना कहीं समूह की महिलाएं काम कर रही हैं और समूह की महिलाओं को सहयोग जैसे सरकार से मिल रहा है मिलना चाहिए, प्रशंसा के काबिल है। 1 रुपये प्रत्येक महिला को चेक है और 2 साल तक इनमें कोई भी ब्याज नहीं है इस पैसे में, और इस पैसे से वे अपनी आजीविका चलाएंगी और अपने आय के साधनों को बढ़ाएंगी। 2 साल बाद इसको इनको ये पैसा धीरे धीरे करके वापस भरना। जहां से चिरगांव रेलवे स्टेशन से महिला पत्रकार को सूचना मिली कि राष्ट्रीय पक्षी बोर झाड़ियों में फंसा हुआ है और घायल भी है, वहां पर तुरंत पहुंचकर घायल पक्षी को झाड़ियों से निकाला। स्थानीय लोगों की मदद से वन विभाग पहुंचा, वन विभाग के अधिकारियों के सुपुर्द किया गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर का उपचार जारी है, वो सुरक्षित है। इस पूरे रेस्क्यू में उसके साथ चिरगांव रेल स्टेशन पॉइंट मेन शाहनवाज खान ने अपना पूरा सहयोग कर मदद की। झांसी के रेचुरा थाना क्षेत्र के ग्राम नया गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर फट गया, घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मवरानीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम नया गांव में गैस का छोटा सिलेंडर फटने से 2 लोग झुलस गए। दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मवरानीपुर लाया गया। दोनों घायलों की हालत गंभीर है। घायलों को झांसी से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है।
आतिशबाजी से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। आतिशबाजी से भरा ट्रक आकागोला बन गया। तमिलनाडु नंबर स्टेशन के ट्रक में भीषण आग लगी। ट्रक में रामकृष्ण सहित अन्य भक्तों के कैलेंडर थे। 3 घंटे तक आतिशबाजी दगती रही। धू धू कर जलता रहा ट्रक। चालक परिचालक अपनी जान बचाकर भागे। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के खरगी खेड़ा गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। पीलीभीत में साल 2014 में घोषित हुआ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत वासियों के लिए एक अभिशाप सा साबित हो रहा है। आलम यह कि वन विभाग की लापरवाही की वजह से वन्य जीव बाघ अब जंगल छोड़कर ग्रामीण इलाकों का रुख कर रहे हैं। बीते करीब 6 महीने से करीब आधा दर्जन गांवों में बाघ की चहलकदमी से इलाके में दहशत का माहौल है। बीती रात बाघ शहर से सटे गांव में घुसकर 3 शेड में बंधी बकरी को अपना निवाला बनाकर घंटों घर में आराम फरमाकर दूसरे खेत की तरफ रुक कर गया। घटना की आपबीती परिवार से सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि बाघ के सिर पर महिला ने हाथ फिराकर उसे नींद में सहला दिया। जब आंख खुली तो होश में आने के बाद महिला गिरती पड़ती चीखती वहां पर आई और उसका कह रहा था कि बाघिन से मुलाकात करने वाली महिला महादेवी के गांव सांडिया की कहानी है। तस्वीरें जनपद पीलीभीत शहर से सटे चंद किलोमीटर दूर सांडिया गांव की। ये बीती रात जंगल से बाघ गन्ने के खेतों से होता हुआ रिहायशी इलाकों में जा पहुंचा और घर के समीप से टिनशेड में बंदी बकरियों का शिकार कर उसे निवाला बनाया। बकरी की चीख सुनकर घर में सो रही महिला टिनशेड से उठ गई। उसने नींद से उठकर बकरियों को छूकर देखा। देखते ही उसका हाथ टीम में बकरियों के पास बैठी बाघिन के सिर पर गया तो उसे अचानक होश आया। सामने देखा तो बाघिन मानो मौत बनकर सामने खड़ी थी। डर से ही महिला ने घर से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और गिरते पड़ते घर दूसरी जगह जा पहुंची। इतने पूरे गांव में बाघिन की मौजूदगी की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जल निगम के ट्यूबवेल ऑपरेटर ने किसान मजदूर संघ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विकास प्रधान के नेतृत्व में पंप ऑपरेटर कर्मचारी नगर के नेटवर्क प्राधिकरण के मुख्य गेट को बंद कर दिया। हल्ला बोल प्रदर्शन किया पंचायत की जिसकी अध्यक्षता बाबू जगनपाल और संचालक राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण नागर ने किया और अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य कार्यपालक के नाम ज्ञापन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को जीएम जितेंद्र गौतम को सौंपा। इस मौके पर किसान मजदूर संघ मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विकास प्रधान और उपाध्यक्ष आलोक नागर ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर पंप ऑपरेटर कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर हजारों किसान मजदूर ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। 15 दिन के अंदर अगर सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो प्राधिकरण पर सभी कर्मचारी परिवार सहित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। We'll be right back.